आप सब तो डॉक्टर बनने वाले हो ना, बताओ कोई इंसान बीमार कैसे ना पड़े? बताओ हमें बीमारियां क्यों होती है? मैं बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, आप सब तो डॉक्टर बनोगे। हम सबको बड़ी बड़ी बीमारियां से बचना है तो हम क्या करें, क्या बोलते हैं उसको, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, है ना? हमारे जो शरीर के अंदर रक्षा होती है, जो हमारा शरीर खुद की रक्षा करता है, उस सिस्टम को हम और ज़्यादा मजबूत कर लें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। दवा खाने से तो लोग सही नहीं होते, आपको भी पता है, तभी तो बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दवा खाना तो मजबूरी हो गई क्योंकि बीमारी शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें। अब आप मुझसे आके रोज टैबलेट मांग रहे हो कि सर कुछ दवा दे दो जिससे मेरा ये सारी बुरी आदतें मेरी जीवन की छूट जाएं और मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाऊं और जीवन में सफल हो जाऊं। तो मैं आपको दवा दे दूंगा। दवा का असर क्या होता है, कितने दिन रहता है? एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, एक महीना। फिर क्या है, अंदर से अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो अगली बार फिर वो बीमारी आपको पकड़ लेगी। आपको क्या लगता है, जो इतने बड़े बड़े टेक जायंट हैं, जिसने इंस्टाग्राम बनाया, जिसने शॉर्ट्स बनाया, जिसने रील्स बनाया, क्या वो खुद दिन भर रील्स स्क्रॉल करते होंगे? कभी नहीं करते होंगे। आपको क्या लगता है, जो लोग वेब सीरीज बनाते हैं, OTT प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वो कभी उन पे अपनी खुद की मूवीज देखते होंगे? कभी नहीं देखते होंगे। पूरे टाइम ये देखते हैं कि हमने मासूम जनता को पकड़ के अपना कंटेंट दिखाया कि नहीं दिखाया। 18 साल की उम्र के कितने बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं, अब उनको हम अगला एड कौन सा दिखा दें? और किस तरह से हम मार्केट में एक वेंडर के पास जाएं और उससे बोलें, या एक कंपनी के पास जाएं, बोलें कि 18 से 20 वर्ष की आयु के हमारे पास 2,00,000 बच्चे हैं जो रोज आके हमारे प्लेटफॉर्म पर मूवीज देखते हैं और लगभग 15 मिनट अपने दिन का यहीं पे व्यतीत करते हैं, क्या आपको उन बच्चों को कुछ बेचना है? अच्छा, एक मोबाइल फ़ोन बेचना है? अच्छा, कुछ किताबें बेचनी है? अच्छा, आपको उनको कुछ खिलौने बेचने हैं? आओ ऐड करो। दुनिया बहुत बड़ी है, अगर आप प्रॉब्लम को सही में सॉल्व करना चाहते हो तो अब आपको इस दिशा में सोचना पड़ेगा, रूट्स पे वापस आना पड़ेगा। इस टाइम तो इतनी बीमारी फैली हुई है, मानसिक रोग, डिप्रेशन, इतनी बड़ी बीमारी इस समय फैली हुई है, हर तरफ लोग डिप्रेस्ड हैं। अपने लिए आपके पास समय ही नहीं है। रात में 3 बजे सोते हो, सुबह 12 बजे उठते हो, दिन भर पढ़ने की कोशिश करते हो, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, आंख के नीचे एक गड्ढा हो गया है, अंदर से आंखें लाल हो गई हैं, घर में माता पिता बात करते हैं तो चिढ़ होती है कि क्या बात करें इनसे, पूरे समय लगता है कि पढ़ने का समय नहीं है, और जब पढ़ने बैठो तो पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ने बैठो तो मोबाइल हाथ में लेके चलाने का मन होता है, मोबाइल चलाओ तो पूरे समय अपने अंदर से गिल्ट होता है कि मैं क्यों मोबाइल चला रहा हूं, चलो मैं पढ़ाई कर लूं। मैं आपको टैबलेट दे दूं तो टैबलेट से आपकी जो बीमारी है वो एक दिन, दो दिन, एक महीने के लिए सही होगी। जड़ से खुद को सही करना है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, अपनी जड़ें मजबूत करो, अपने सिद्धांत मजबूत करो कि अभी तो कलयुग आने वाला है और भयानक भीषण कलयुग आने वाला है। आगे जो भीषण कलयुग आने वाला है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने आने वाला है, वो तो आपको आपके लक्ष्य से पूरी तरह से भटका देगा। अपनी जड़ों को वापस मजबूत करो, अपने सच्चे दोस्तों को खोजो। सच्चा दोस्त कैसे पहचान में आएगा? वही आपका सच्चा दोस्त है जो आपके पैर पकड़ के आपको नीचे ना खींच रहा हो। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपके टूटे हुए पंख को आपके शरीर से वापस लगा रहा हो और आपकी उड़ने में मदद कर रहा हो। अब अगर वो दोस्त आपके लिए बहुत हंसी मजाक वाले रील्स आपको नहीं शेयर करता है, वो दोस्त अगर देखने में कूल नहीं दिखता है, कोई बात नहीं बेटा, ये चीजें जीवन में मान्य नहीं रखती है। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपको आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा दे रहा है। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपको बोल रहा है लगातार कि आप गलत कर रहे हो, इस तरह से आप जीवन में सही दिशा में नहीं जाओगे। और हमारी आदत होती है कि जो भी व्यक्ति हमारे बारे में बुरा बोलता है, हमें क्रिटिसाइज करता है, मुझसे दूर होना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता हो वो आपका बहुत सच्चा मित्र हो और इसीलिए आपकी बुराई कर रहा हो और आपने उससे बात करना ही छोड़ दिया। अपनी जड़ों को वापस मजबूत करो, ये सारी दिक्कतें वहीं से हल होंगी। मान लो किसी इंसान को बॉडी बनानी है,
तो दो तरीका होता है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी इंटरनेट पे ही सुना है बॉडी बनाने का। एक तो होता है आप अखाड़े में जाओ, वजन उठाओ, है ना, आप खेत में जाओ, हल चलाओ, ये सब तरीके होते हैं अच्छा मजबूत शरीर बनाने का। या कई लोग जिम जाते हैं, वो भी ठीक है जिसके पास जो सुविधा है। और दूसरा तरीका होता है दवाएं ले लो, स्टेरॉइड ले लो। आपको पता है ना, दूसरे तरीके से इंसान मजबूत नहीं बनता है, पहला ही तरीका है और वो कठिन होता है। जिन लोगों के आप देखते हो शरीर इतने मजबूत होते हैं, वो एक दिन, एक रात, एक महीने में नहीं बनते, सालों की तपस्या से बनते हैं। अब आप जीवन में जो बनना चाह रहे हो उसके लिए अब आपको तपस्वी बनना पड़ेगा। और ये मैं मानता हूं कि आपका समय मुझसे ज्यादा मुश्किल है। मेरा समय आसान था, हमारे समय में इतने शैतान नहीं थे। जब मैं बच्चा था तब हमारे पर्यावरण में इतने शैतान नहीं थे, इतनी बुरी शक्तियां नहीं थी, हम फिर भी अपने लक्ष्य को साध सकते थे, इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। अब बहुत डिस्ट्रैक्शन है। यू आर अ जनरेशन दैट इज कर्स्ड विथ टेक्नोलॉजी एंड द ओनली सॉल्यूशन टू फाइट विद दिस टेक्नोलॉजी इज टू गेट बैक टू योर रूट्स।